फोन दे दो, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, मुझे पढ़ना है। ओके ले लो, पर गेम मत खेलने लग जाना, काम ही करना सिर्फ स्कूल का। होमवर्क तो 5 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद गेम खेलेंगे। जा देख के, पापा सो गए हैं। सो गए पापा। गेम खेलते हैं, ये देख। भैया क्या खेलते हो? ये सबसे बढ़िया गेम है। ये क्या सोच रहे हो? इस गेम में कुछ खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। कहाँ से ले के आओगे पैसे? जा पापा कार्ड ले आ। भैया मैं क्या लेके आ गया? अब मैं जाएगी। एक ऐप है, उसके अंदर कम पैसों में सब कुछ मिल जाएगा। जल्दी से उनको कार्ड की फोटो भेज देते हैं। हो गया स्कूल का काम, लाओ दो मोबाइल मेरा। अरे बैंक का मैसेज, मेरे 8 लाख रुपए किसने निकाल लिए? क्या किया तुम लोगों ने? तुम पढ़ रहे थे या मेरे फोन के साथ छेड़खानी कर रहे थे? बैंक की डिटेल किसने शेयर की? कार्ड कहाँ है मेरा? उनसे गलती होगी पापा। गलती? मेरी सारी उम्र की कमाई चली गई। आजकल आप सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसके चलते बच्चों के हाथ में फोन अक्सर रहता है। बच्चों के हाथ में आप फोन देते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन आप उनका ध्यान भी रखें, कहीं वो फोन किसी भी तरह से मिसयूज ना करें। अभी हाल में ये घटना देखने में आई, जहां बच्चे ने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर दी और उसके पिता के 8 लाख रुपए उसके खाते से चले गए। तो आप भी सचेत रहें, ध्यान रखिए, ऑनलाइन पढ़ाना जरूरी है, लेकिन केयर करिए कि बच्चे उस फोन का गलत इस्तेमाल ना करें।